हेलो गाइस, वेलकम टू द न्यू व्लॉग। और ये व्लॉग है 13th अक्टूबर का, लास्ट ईयर 13th अक्टूबर को मेरी इंगेजमेंट एनिवर्सरी थी। सो थॉट ऑफ गोइंग फॉर अ सेलिब्रेशन। सो बैंगलोर में ये जगह है जहाँ पे काइंड ऑफ अ पार्टी क्लब और डाइन आउट, यू कैन से एनीथिंग, मगर यहाँ पे सब कुछ मिलता है। सो ये था एंट्रेंस, काफ़ी डिफरेंट काइंड ऑफ थीम था यहाँ पे और बहुत ही ज़्यादा भीड़ थी। वीकेंड पे मोस्टली लोग बैंगलोर में क्या करते हैं कि ऑफिस पार्टी के लिए आते हैं ऐसी जगह पे, तो हमेशा रश मिलेगा ऐसी जगह पे। और यहाँ पे लोगों ने कुछ पुराने लेजेंड्स एक्टर्स की, सिंगर्स की फ़ोटोज़ लगा रखी थी और अच्छा बना रखा था एम्बियंस, काफ़ी मतलब डिफरेंट लुक था इसका। और यहाँ पे एक तो ग्राउंड फ्लोर पे था और एक उसके ऊपर रूफ टॉप पे था, तो हम लोगों ने सोचा पहले रूफ टॉप पे देख के आते हैं क्या है क्या नहीं है। यहाँ पे काफ़ी टेबल्स खाली थी, बाकी मेजॉरिटी ऑफ टेबल्स जो थी बुक थी। तो हम थोड़ा ऐसा लोकेशन ढूंढ रहे थे जहाँ पे थोड़ा एनवायरनमेंट अच्छा हो, मतलब कि यहाँ पे थोड़ा शान से लोग थे काफ़ी, और काफ़ी अच्छा डेकोरेट करा हुआ था। फिर हम लोगों ने नीचे आने की सोची, क्योंकि नीचे यहाँ पे डीजे था, तो हमने डीजे के जस्ट बगल में टेबल बुक कर ली। और फिर हम मेन्यू देखने लगे खाने में क्या क्या है यहाँ पे, मतलब ऑलमोस्ट सब कुछ अच्छा था टेस्ट वाइज। हम लोगों ने अलग अलग चीज़ें ऑर्डर की। एक तो मुझे वुड फायर ये पिज्ज़ा जो है ये खाना था, क्योंकि ये वाला मैंने फर्स्ट टाइम ट्राई किया था। बहुत ही क्रिस्पी और बहुत ही थिन क्रस्ट होता है, तो अच्छा पिज़्ज़ा था ये, बहुत गर्म गर्म आया था। ठंडा होने के बाद शायद अच्छा नहीं लगता। और बहुत सारी शेक्स वगैरह ऑर्डर किए थे हम लोगों ने, और बहुत ही अच्छा माहौल था, मतलब आवाज़ जो आई थी सॉन्ग्स की, मतलब लोग आने स्टार्ट हुए थे तो यहाँ पे मतलब इतनी ज़्यादा भीड़ नहीं थी डीजे पे। और मैंने किटकैट शेक भी पिया और हम लोगों ने क्रिस्पी कॉर्न्स खाए, और बाकी लोगों ने अलग ड्रिंक्स ऑर्डर की थी। मतलब मैंने तो शेक ऑर्डर किया था, बाकी लोगों ने मोहितो वगैरह ऑर्डर किए थे। फिर चीज़ नगेट्स खाए, और यहाँ पे आप देख सकते हो कितना क्राउड है। अभी तो फिर भी थोड़ा कम क्राउड है, क्योंकि लोग स्टार्टिंग में आते हैं खाना वाना खाते, उसके बाद सोचते हैं डांस करने की। तो मेरा भी मन करा था, बट थोड़ा अजीब भी लगा था क्योंकि वहाँ पर पूरा प्रॉपर ग्रुप के साथ लोग आते हैं, तो हम लोग सिर्फ 3 लोग थे। उसके बाद हम लोगों ने पनीर टिक्का ऑर्डर किया, चाप ऑर्डर की, और तब तक रश बहुत बढ़ चुका था। मतलब ऐसा था कि फ्लोर पर पैर रखने की जगह नहीं थी, इतना ज़्यादा रश हो गया था। और जो डीजे था वो सही म्यूज़िक प्ले कर रहा था बैक टू बैक, और हम लोग बैठे बैठे खा रहे थे बस। फिर एक टाइम ऐसा आया जब हम लोगों ने बहुत ज़्यादा खा लिया और लगा कि अब और नहीं खाया जाएगा, तो उसके बाद हमने सोचा कि चलो डांस करके आते ताकि थोड़ा फिर से कुछ खाने का मन करे तो खा सकें। उसके बाद हम लोग हिम्मत करके डांस करने गए, और फिर हमने काफ़ी देर डांस किया। डांस करने के बाद मुझे फिर से भूख लगी, तो फिर से अपने टेबल पर आके खाना खाने लगी। और हम लोग को पता था कि काफ़ी टाइम तक रहने वाले, तो आराम से डांस भी करेंगे, खाना भी खाएंगे। उसके बाद फिर से थोड़ी सी भीड़ कम होती, हम लोग सोते चले गए, और फिर हम लोगों ने काफ़ी डांस किया, मतलब बहुत ही ज़्यादा डांस किया।
ये खाना भी बहुत खा लिया था तो मन नहीं कर रहा था कुछ खाने का, और क्या करते हैं आज हम लोग। हम लोग रिलैक्स होकर खाना स्टार्ट कर दिया। उसके बाद डांस करने के बाद हम लोग थोड़ा सा बाहर गए फोटोज़ वगैरह क्लिक करवाने, जहाँ जहाँ पे भी थोड़ा डिफरेंट सा व्यू मिल रहा था वहाँ पे हम लोग फ़ोटो क्लिक करवा रहे थे। उसके बाद बाहर मेन एंट्रेंस पे मैंने क्लिक करवाई फ़ोटोज़। थोड़ा सा अंधेरा था वहाँ पे, मतलब वो थीम ही ऐसा था तो थोड़ा फ़ोटोज़ उतनी ब्राइट नहीं आई, लेकिन एम्बियंस काफ़ी अच्छा लग रहा था, मतलब बैकग्राउंड वाइज काफ़ी अच्छा था। ये वाला जगह काफ़ी अच्छी थी, और मतलब उसमें वहाँ पे बहुत सारे कॉर्नर्स हैं जहाँ पे तुम फ़ोटोज़ क्लिक करवा सकते हो, और ये एकदम एंट्रेंस पे था तो ये मुझे काफ़ी अच्छा लगा। बूथ टाइप का बना रखा था फ़ोटोशूट के लिए तो मैंने वहाँ पे क्लिक करवाई। उसके बाद 12 बज गए तो हम लोग वापस घर आ गए।